हमारी सरकार बनने के बाद धर्मवालों हम यहां पर शांति की व्यवस्था को बहाल करेंगे, हम सबको सुरक्षा की गारंटी देंगे, हम केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं करेंगे बल्कि हम हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की और आम जनता की सुरक्षा की गारंटी दे रहा हूं। धन्यवाद। नदियारू प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ममता को कड़ा समालोचना। ममता पराजय स्वीकार करनी। प्रधानमंत्री नेतृत्व में राज्य में हेबो विकास। पश्चिम बंगरे एप्रिल 17 तारीख रे हेबाकु जाउची पंचम पर्यायर निर्वाचन। ता पूर्वरु प्रधानमंत्री समेत अमित शाह और जेपी नड्डा घमासान प्रचार जारी रखिछंती। सेमानंक परे एही धारारे जोड़ी होइछंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नदिया थारे एक निर्वाचनी सभा को संबोधन करी ममतांकु टार्गेट करिछंती राजनाथ सिंह। ममता तांकर भ्रष्टाचार शासनर फल पाइबाकु जाउछंती तथापि से निजर जिद्दी छाड़ू नाहंती बा नैतिकता को अवलंबन करू नाहंती। 10 वर्षर शासन कालरे राज्य को अवनति आड़कु नै जाइतिबा टीएमसी सरकार को विदा देई बीजेपी को शासन भार देवा पाई बेंगल वासी प्रस्तुत होई सारिछंती। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलवासी कोटी कोटी टंकार विभिन्न उन्नतिमूलक योजना प्रस्तुत करते ममता यहाँ अवरोध कर बेंगलवासी को सेमानको अधिकार वंचित करमता अनैतिक मंतव्य राज्य में भेदभाव सांप्रदायिक हिंसा सृष्टि टीएमसी रो अत्याचारी और गुंडाराज रो शासन राज्य को पछ को नहीं जाय छी। क्या राजनीति राजनीति भविष्य भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है मेरे घर भाई आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जाति पंथ मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं है, हम तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम सभी की चाहे कोई किसी भी जाति का हो, चाहे कोई किसी पंथ का हो, चाहे कोई किसी मजहब का हो, घर वालों जाति पंथ और मजहब के आधार पर हम कभी भेदभाव नहीं करते, हम सभी को इंसान मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक की पॉलिटिक्स की जा रही है, तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है, कहा जा रहा है कि एकजुट होकर तुम अपना मतलब करो। मेरे भाइयों, समाज को बात करने इस बंगाल का विकास नहीं किया जा सकता है, जबकि समाज को एकजुट रहकर ही इस बंगाल का विकास किया जा सकता है। यहाँ के मुख्यमंत्री की ओर से सच्चाई को बताना है। बेंगलवासी चाहुंती परिवर्तन ओ एक स्थायी और सुरक्षित शासन जहां केवल बीजेपी ही दे पारिबो बोली संबोधन ने कहिछंती राजनाथ सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑगस्ट न्यूज़।